डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपको यह बता दूं और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, केसी त्यागी क्यों हटाए गए, क्योंकि मुझे वो इनसाइड इंफॉर्मेशन पता है। दरअसल चार दिन पहले ही, छह दिन पहले ही केसी त्यागी को प्रधान प्रवक्ता कार्यकारिणी में सारी जिम्मेदारी सौंपी गई और कुछ ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि केसी त्यागी को रुखसत होना पड़ा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से केसी त्यागी लगातार कुछ कुछ ऐसा कर रहे थे जो घटक दल के नियम के विरुद्ध, जिस नियम का पालन करना था वो दिखाई पड़ रहा था। केसी त्यागी ने एक लेख लिखा, बिहार में पढ़ा गया, जिसमें राहुल गांधी की राजनीति की उन्होंने खूब सराहना की। ये बात बीजेपी को नागवार गुजरी। हद तब हो गया जब लेटरल इंट्री, कोटा विद इन कोटा, कोटा विद इन कोटा के मसले पर तो हमेशा से जेडीयू अपनी पीठ थपथपाती रही और इसराइल को समर्थन नहीं देने को लेकर के केसी त्यागी ने बकायदा विपक्ष के पेपर पे साइन तक कर दिया और अपना स्टैंड जेडीयू का स्टैंड बता दिया। पहले संजय झा ने केसी त्यागी को फोन किया कि अब आप हट जाइए, तो केसी त्यागी ने कहा कि वो नीतीश जी से बात कर लेंगे। दो दिन बीत गए, नीतीश जी के पास केसी त्यागी का फोन नहीं आया और नीतीश जी ने खुद फोन करके कहा कि आप ये पद छोड़ दीजिए। ये मैं ऑथेंटिक खबर दे रहा हूं आपको। सवाल ये उठता है कि केसी त्यागी ये लाइन ले रहे थे तो क्यों ले रहे थे, और जब ये लाइन ले रहे थे तो जेडीयू ने उनको किनारा कर दिया। अगर हम बात करें चिराग पासवान का, चिराग पासवान भी बहुत अलग लाइन ले रहे थे। कल अमित शाह से मुलाकात हुई है, उसके बाद अपने अटूट रिश्ते की दुहाई दे रहे। क्या डॉक्टर संजय कुमार आपको लग रहा है कि जो लोग एनडीए का जो लाइन है उससे अलग जाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी बर्दाश्त करेगी क्या? और आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए केसी त्यागी को हटना पड़ा, चिराग पासवान को माइल्ड होना पड़ा, और नहीं तो चिराग पासवान को बता दिया गया कि आप ये मत समझिए कि आप इंडिस्पेंसेबल हैं, आपके चाचा भी पशुपतिनाथ पारस हैं, हम उनको भी तवज्जो दे सकते हैं, और उनसे मुलाकात अमित शाह की हुई भी थी। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल, आप जो सच्चाई है उसको बयां कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथियों को भी एक मैसेज तो कर ही दे रही है ना कि हम अपने इश्यूज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपकी सहमति असहमति का एक दायरा तक तो हम स्वागत करेंगे या चुप रहेंगे, लेकिन जब आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कीजिएगा तो फिर हम निर्णय लेने की स्थिति में। और जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएगी, एजेंडे पर आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक शायद पार्टी की वजूद पर भी संकट हो जाएगा। केसी त्यागी इतना मुखर होकर के बोल रहे थे, लगा कि अब हम कुछ भी बोल देंगे और गठबंधन में, चूंकि हम उनके कंफर्टेबल गठबंधन के साथी हैं इसलिए हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं चलेगी। कहा तो जाता है कि अमित शाह जी और संजय झा के बीच में भी बात हुई और अमित शाह जी ने भी कहा कि भाई कौन आदमी को आप रखे हुए हैं जो हमारे हर स्टैंड के खिलाफ में खड़ा हो जा रहा है, कि आपकी पार्टी का स्टैंड है और अगर पार्टी का स्टैंड नहीं है तो फिर इस आदमी को हटाइए, और उनको हटाया गया। अग्निवीर से इन्होंने शुरू किया था, जिस तरह से मुखर होकर के विरोध कर रहे थे, फिर इन्होंने लेटरल एंट्री पर जिस तरह से मुखर होकर के विरोध कर दिया, सब कैटेगराइजेशन पर इन्होंने एक अपने लाइन ले लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये विपक्ष की लाइन, और इसीलिए तो आप देखे होंगे कि कांग्रेस भी इनको स्वागत करने के लिए तैयार है। आज तेजस्वी यादव जी ने ऑफर दिया कि आप आइए मेरे साथ, भाई अगर आप गठबंधन में है तो गठबंधन का एक धर्म है, अगर इतना ही आपका सेकुलर स्टैंड है, इतना ही आप पॉलिसी मेकिंग में आप ही तय करेंगे चीजों को, और उस पर भारतीय जनता पार्टी बड़े दल होने के बाद भी आपकी बात को सुनेगी तो फिर ठीक है, गठबंधन में आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब गठबंधन में है तो इसीलिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। क्रीमी लेयर पर तो बोल गई बीजेपी, लेकिन सब कैटेगरी पर बीजेपी नहीं बोली। और लेटरल
नहीं हो रही है। ठीक है, उसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन है, रिजर्वेशन की बात आप कीजिए। और ठीक आपने कहा कि अंत में तो जो वो चिट्ठी थी, वो चिट्ठी भी सार्वजनिक हो गई, जिसमें किस तरह से इसराइल को नहीं मदद करने की बात में केसी त्यागी जी का सिग्नेचर उस पर। तो केसी त्यागी जी को लगा कि हर स्टैंड के साथ पार्टी खड़ी हो जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि संजय झा को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि वो दोनों के बीच में सेतु का काम करे। बीजेपी क्या चाहती है और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से अवगत रहे। और जहां तक चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की तो भाषा ही बदल गई। वो सारे स्टैंड पर खिलाफ थे, वो वक्फ बोर्ड का जमीन का मामला हो, जातीय जनगणना का सब कैटेगराइजेशन का सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट हो, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, भारत बंद का मामला हो, चिराग पासवान तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे विपक्ष के सुर में सुर मिला करके वो एनडीए गठबंधन में भी होते हुए वो अपनी राह अलग कर लिए थे। मैंने तो पहले भी कहा था कि गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में अजीत पवार और चिराग पासवान दो ही लोग थे जिन्होंने कास्ट सेंसस की वकालत मजबूती से की, जबकि बीजेपी का जो स्टैंड है वो साफ है। वो तो चूंकि हिंदू वोटों का कहीं से भी खराब नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है कि हिंदू जातियों में बटे और जाति में बट कर करके और वोटों का भी खराब हो, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का वही आधार ही है सत्ता में रहने का या सत्ता में जगह बनाने की। तो क्षेत्रीय पार्टियां के साथ अब राहुल गांधी जी सुर मिलाने लगे और चिराग भी उनके साथ सुर मिलाने लगे, तब जा करके बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस होता है वो शुरू हुआ। दिलीप जायसवाल को पारस जी के यहाँ भेजना, पारस जी से फिर और प्रिंस पासवान से अमित शाह की मुलाकात, बात, फिर पारस जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नहीं 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 हमें तो कहा गया है कि आप धैर्य रखिए और चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम आपके सम्मान का, आपका पूरा ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी ठीक है गठबंधन के साथियों को तरजीह देगी, लेकिन एक स्तर तक, एक हद तक, और वो लेवल, वो लक्ष्मण रेखा जब पार्टियां पार करेंगी तो बीजेपी अब उसको, जिस तरह से दोनों लोगों को, केसी त्यागी जी को हटवाया गया और चिराग पासवान को बैकफुट पर लाया गया, अब उनको प्रधानमंत्री अच्छे लगने लगे कि जब तक चिराग पासवान एकदम एकदम आप ठीक बात कह रहे हैं।